बीजेपी के पूर्व विधायक ने बिना मास्क पहने किया कोविड सेंटर का उद्घाटन। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। भीनमॉल जैन संघ और तपोवन स्कूल द्वारा मीरा भाईंदर में कोविड अस्पताल की गई शुरुआत। कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। बिना मास्क पहने ही कोविड सेंटर का लिया जायजा। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। फूलों से सजी कार में शराब की तस्करी करने का मामला आया सामने। रतलाम जिले के कालूखेड़ा में फूलों से सजी कार में दूल्हा दुल्हन की जगह पर पुलिस को मिली 18 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने शराब की पेटियों को किया जब्त। राजस्थान से लाई जा रही थी अवैध शराब। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा थाना कालूखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसमें अवैध शराब हमें काफ़ी सुनाया प्राप्त हो रही है। श्रीमान के द्वारा विजित किया गया था, जिस पर एक टीम बैठे थे तंबू सीमा पर एक नई डिजाइन का राजस्थान की मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मूर्ति बनाने वाली शिवांश कंपनी में चोरी की वारदात। चोरों ने ताला तोड़कर 300 किलो की मूर्ति को लेकर हुए फरार। कंपनी के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने किया 4 लाख की पीतल की मूर्ति और कार के साथ दो साथी चोरों को गिरफ्तार। औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री एरिया में शिवांश इंडस्ट्री करके जहाँ पे स्टैचू मूर्ति वगैरह बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो माननीय जालम सिंह पटेल जी मंत्री वर्तमान विधायक नासिक द्वारा राजा हृदय साई जी की विशाल मूर्ति बनाने का ऑर्डर कंपनी को दिया गया था, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण में वो अलग अलग पार्ट्स मूर्ति के बना लेते हैं, वो बना के रखते जाते हैं और बाद में फाइनल होने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मेन गेट का और हॉल का ताला तोड़कर और जो निर्माणाधीन मूर्ति थी उसके पार्ट्स पीतल के लगभग 300 किलोग्राम चोरी करके ले गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों को उन्होंने धारा 457-380 के साथ प्रथम पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक रायसेन श्रीमती मोनिका शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम गठित कर विवेचना की गई। विवेचना पे आरोपी सोहेल था एवं यूसुफ खान को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 300 किलो पीतल जब्त किया गया है 4 लाख रुपये कीमत का और इनके द्वारा वो जो चोरी का माल है वही फोर व्हीलर वाहन में ले जाया गया था, उस वाहन को ही पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। आईटीआई कॉलेज के छात्रावास को बनाया गया कोविड सेंटर। मध्य प्रदेश के ठिकरी तहसील में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड वार्ड को कॉलेज में किया गया शिफ्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड और जनरल वार्ड साथ में होने से कोरोना संक्रमण फैलने का सता रहा था डर। जिला अधिकारी के आदेश पर कोविड वार्ड को किया गया शिफ्ट। वहाँ बेड थे कम थे और साथ में हमारा हॉस्पिटल था, वहाँ जनरल पेशेंट भी आते थे तो उनमें इन्फेक्टिविटी का डर था, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से कोशिश करके इसको चालू करवाया है। केरवा में यहाँ पर 40 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें 12 बेड के हमने आईसीयू वाले जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वैसे पेशेंट रखे हुए हैं। बाकी जिनका सेचुरेशन 95% के ऊपर आइसोलेशन की ज़रूरत है और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है उनको रखने के लिए बोला गया है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं उनका प्रशासनिक अमला उनके नेक इरादों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले के बिछोर नगर पंचायत की, जहां कर्फ्यू के चलते जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर शराब की सभी दुकानें एवं आबकारी गोदाम बंद है। तो वहीं पुलिस ने आबकारी विभाग के गोदाम के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त की है। मामले की जांच में पिछौर पुलिस जुटी हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना पर कि वहां एक गाड़ी है, इस पर से पुलिस फोर्स भेजा था तो उसमें 40 पेटी एक स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो नंबर है MP 17 CA
7784। इस गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त हुई है। ये गाड़ी नेट पर निकालने पर कोई गुप्ता जी है रीवा के, उनके नाम रजिस्टर्ड है। विवेचना के दौरान मालूम पड़ेगा यहाँ कैसे आई और किसके पास थी ये गाड़ी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मामूली विवाद के चलते दोस्त ने की दोस्त की हत्या और शव को सुनसान जगह पर फेंका। सिकरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डिंगरजवाड़ी इलाके में युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। लोकल क्राइम ब्रांच ने एक घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। हत्या के कारणों को पता लगाने में जुटी है पुलिस। सिकरापुर पुलिस स्टेशन के हत्या में या गावामध्ये रस्त्याच्या कडेला एक अनोळखी इसम असा दगडाने घुसून खून केलेला मृतदेह नोंदवला। त्यानंतर सिकरापूर पोलीस स्टेशन व स्थानिक गुन्हे शाखा गुन्हेगारी दोन्ही संयुक्त पथकं तयार करून ताबडतोब आरोपी जो मयताचा मृतदेह आहे ओळखीसाठी आरोपींच्या शोधासाठी रवाना करून आरोपी मयत जो आहे त्याचे नाव मयताचे नाव बालदेव उर्फ लाल सिंग गिरीश माझी मूळ राहणार बिहार सध्या मजुरी काम करण्यासाठी इथे असल्याचे निष्पन्न झाले। त्यानंतर गुप्त बातमीदाराद्वारे व लास्ट सिंग जे साक्षीदार आहे त्यांच्याद्वारे आरोपी निष्पन्न झाले असून आरोपी होता। पुणे जिले के दौंड तहसील से एक चौंका देने वाला मामला आया सामने, जहां अवैध संबंधों के चलते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने 7 साल के बेटे और पत्नी की हत्या। आरोपी पति ने प्रेमिका और उसकी एक अन्य महिला दोस्त के साथ मिलकर पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने रचा आत्महत्या करने का ढोंग। पंखे से लटकाया पत्नी और बेटे की लाश। पुलिस ने किया आरोपी प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार। वाली अपार्टमेंट में रहने वाली महिला जो कि उनको देना सकती सोनू ने और उनका बच्चा कौन सकती सोनू ने उम्र 7 साल, उन दोनों को उनके रहते घर में ज्योति सोनू ने उनके पति सचिन सोनू ने और उनकी प्रेयसी रेणुका उर्फ प्रणाली भारत कलेकर और उनके अनोन साथीदार तीन लोगों ने ज्योति सोनू ने और उनका बच्चा ओम सोनू ने उनकी हत्या कर दी। इस बारे में सचिन सोनू ने और रेणुका उर्फ प्रणाली कलेकर दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू है।